अस्सलाम वालेकुम। ये वेनिसडे है शरी वेनिसडे, और हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से। सब रेडी हो चुके हैं, सेफ खा रहे हैं। शरी भाई कैसा है शरी भाई? सेफ? इट्स गुड। अच्छा, ज़बरदस्त। चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक बड़ा मसला आ गया सिक्योरिटी इशू की वजह से। वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं तो ये जगह सील कर देंगे आधे घंटे में। तो हम आज 6 बजे ही उठ गए थे, और सर्दी बहुत हो रही है। लड़कों को देखें, सब रेडी हैं। और ये हमारे वलीद भाई हैं। वलीद भाई एक मिनट, वलीद भाई आपने कितनी पिक्चर खिंचवा ली अब तक? वलीद भाई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से, आप ज़बरदस्त लग रहे हैं आप यार। आपको ज़रूरत ही नहीं पिक्चर खिंचवाने की, लोग आपको ख़ुद खींचेंगे। और उसद भाई ये पर पर्सन एक ही है बस, मैंने अभी देखे आपने 4 जेब में रखे हैं। ये हमारे वासे भाई। वासे भाई मज़ा आ रहा है? सेब कैसा ज़रा बताइए, सेब कैसा है वासे भाई? सारा सामान चढ़ा आप देख सकते हैं। और चले हम वीडियो अब इसको क्लोज करते हैं, उसके बाद अब आगे जब हम नाश्ते पे निकलेंगे तो हम उसके अब बनाते हैं क्या आज नाश्ते में हमने खाया, ठीक है? तो फिर वो आपको बताते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब ये नाश्ते के लिए हम राका पोछी एक जगह है, ये पॉइंट है, यहाँ हम आ चुके हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मामू एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। मामू एक्सरसाइज ज़रूरी है सुबह सुबह यार, एक्सरसाइज ज़रूरी है। बेगम ने कहा कि आप बिल्कुल ऐसे ना हो के आ जाए कि आप बिल्कुल अनटोले हो जाए। थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूरी है ताकि फिर आप जाके वहाँ एक्सरसाइज करेंगे। ये और मामू रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये नाश्ते का आपको बताया था, नाश्ते में आ चुके हैं। तो नाश्ते का वेट कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी ज़बरदस्त जगह है। ये आप देखेंगे मुझे भी आप देख लें, मैं अपने आपको दिखा रहे हैं, दिखाता नहीं हूँ तो लोग शिकायत कर रहे थे। ये आप भी देखने आए कितना खूबसूरत है, यहाँ पर ये सब बैठे हुए वेट कर रहे हैं नाश्ते के लिए। देखिए ठीक है, नाश्ता आता है तो फिर उसको भी कवर करते हैं, उसको भी कवर करते हैं नाश्ते को, फिर वो आपको दिखाते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह जब तक के लिए वीडियो क्लोज करते हैं। और मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था, जैसे नाश्ता आएगा मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैं पूरी वीडियो पूरी निकाल सकता, मतलब बिल्कुल एक प्रॉपर होता नाश्ता आया, क्योंकि हमारे लड़के इतने भूखे हुए हैं, भुक्कड़ हुए हैं, उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। फराज भाई ये मैनेजमेंट के बंदे हैं, ये हर चीज़ देख रहे हैं यार, प्रॉपर सबको सब मिल रहा नहीं मिल रहा। अंडा देखें आप, ज़बरदस्त अंडा है, ऑमलेट है, छोले हैं, पराठे हैं, चाय भी आएगी और व्यू भी ज़बरदस्त है। अलैकुम। ये इमरजेंसी में वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे, इमरजेंसी वीडियो बनानी पड़ रही है। हमारा ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है कि देखिए आप, लोअर ऑर्डर भी बैठेगी नहीं आ रही, मतलब नाश्ता आते आते वहाँ ख़त्म हो जाता है। ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोअर ऑर्डर की बैटिंग आ रही और ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर ऐसी बैटिंग कर रहे हैं, वाइट बॉल भी खेलेंगे, नो बॉल भी खेलेंगे, बीमर भी खेलेंगे। चलो कीपर के पास बॉल ही नहीं आ रही। बस आप सेहत पे मत जाएगा इसकी, 5 घंटे का आ चुका है लड़का, सेहत पे मत जाए आप। बस हमारी ये इंटरव्यू आपका लूंगा, क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है, एकदम भीड़ बननी पड़ रही है। भाई एक 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 नवासा है, एक मिनट है। अरे शहरी का ख्याल रखना बेटा, ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग है, लोअर ऑर्डर की बैटिंग नहीं आ रही।
और एक और बात, एक और बात, ओ भाई ये ओपनिंग ऐसी है कि नो बॉल भी खेल लिए, बीमर भी खेल लिए, सब खेल लिए, बॉल ही नहीं आ रही, कीपर के बॉल ही नहीं आ रही, कीपर ऐसी कहा। चले भाई ये नाश्ता खत्म होता है, फिर वीडियो बनाते हैं अलग से। अल्लाह हाफिज। जब तक अस्सलाम वालेकुम, जैसे हमने वादा किया था अगली वीडियो में आपको सब दिखाएंगे। नलतर वैली हम जा रहे हैं और हम अपनी जीप पे यहाँ बैठ चुके हैं, और हमें अच्छी बात यह है कि हमें ड्राइवर साहब बहुत अच्छे मिले। नारायण का जो हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, ड्राइवर साहब बहुत अच्छे मिले, इनसे हम बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शेरदिल है। शेरदिल साहब आप कितने सालों से चला रहे हैं? मैं ये 2 साल से चला, 2 साल से चला रहे हैं। शेरदिल साहब बताएं ऊपर का माहौल कैसा है, मज़ा आएगा नहीं आएगा? हाँ क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छा माहौल है। सतरंगी झील पे जाएंगे हम, उसके बाद परी झील पे, उसके बाद बिलीव झील पे हम जाके वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद जो जो चीज़ें होंगी हम शूट करेंगे। हमारे साथ जो आज हम 5 लोग हैं गाड़ी में, तो कौन कौन है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए एक मैं खुद हूँ, मेरे साथ हैं माज भाई हैं, माज भाई हैं, मेरे पास वलीद भाई हैं, वलीद भाई थम करते हैं, वलीद भाई हैं, और जुहेब भाई हैं, जुहेब भाई नज़ भाई, 7 भाई हैं हमारे साथ, और हमारे साथ हैं ड्राइवर साहब। ड्राइवर साहब नाम शेरदिल साहब है, इनका नाम ही शेर है, आप समझ जाए कितना मजा आने वाला है। जी नई गाड़ी का सफ़र अभी तक देखें चल रहा है, काम चल रहा है, और ये रोड बहुत ख़तरनाक हो चुकी है, पानी रास्ते से जा रहा है, खूबसूरत चल रहा है, पानी की जगह छोड़ी हुई है क्योंकि पानी को नहीं रोक सकते आप। लगे आप माहौल देखें, मौसम देखें, आप खाइए, बिल्कुल खाइए नीचे, इतनी ख़तरनाक रोड है ये, देख रहे हैं आप, खूबसूरती आप देख रहे हैं, और कमेंट्स में ज़रूर बताएगा मज़ा आया या क्या नहीं आया। बिल्कुल, मैं एक चीज़ बताऊँ कि अच्छी है, हमारे लड़के नशेबाजी नहीं करते, शरीफ बच्चे हैं, खाले तक नहीं खाते, तो इसलिए आप ये अभी हम बैठे होते 200 हज़ार में आ रहे, क्या बता ऐसे हराम ही दोस्त हैं हमारे, यहाँ हम बैठो इतनी सी छोटी चीज़ में सिगरेटें पीना शुरू करते तो नाक में घुस जाती है हमारी, तो ये हमारा नाम अभी जब हम टूर कस्बों के साथ में आते हैं। मसला ये है हमारे साथ जो हमारे बेनिफिट है वो वली भाई हैं, जो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहते हैं, बिल्कुल चीज़ें धोए हैं, नशा माई से बिल्कुल नफरत है, सिर्फ टॉफी खाते हैं, सिर्फ टॉफी कौन सी खाते हैं, और लॉलीपॉप चूसते हैं, टॉफी हम फांटा खाते हैं, अमृत वगैरह खाते हैं, और लॉलीपॉप चूसते हैं, खट्टी मीठी भी छोटी सी खा लेते हैं। हमारे नंतर वाली कोई पॉइंट है ना, हम रुके नंतर वाले कोई पॉइंट है, हम चाय वगैरह पीते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं, ठीक है शेर दे? बिल्कुल बिल्कुल, चले हम ये पॉइंट है, हम यहाँ जा रहे बना रहे हैं, ये हमारे सेठ साहब हैं, हमारे घर के बड़े, सारे मामला हमारे देखते हैं, और हमारी तरह ये 200 जान रहते हैं, आइडियल लोकेशन पे लोग जी, आइडियल लोकेशन, ये वासी साहब बैठे हुए हैं, ये मामू हैं, ये हमारे सही मैनेजमेंट के 2 बंदे बैठे हुए हैं, ये मामू हैं जुबैर मामू, ये बिलाल भाई है, इसी से बात नहीं करते। लेकिन मामू कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, रियली बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है, आपकी नेचुरल ब्यूटी है, और माशाल्लाह आपकी गाड़ी पानियों से पानी में से गुजर रही है, और आपकी गाड़ी बाज अवत और कहाँ कहाँ से गुजर रही है, पत्तर, जंगल, पत्तर, हर चीज़ का आपको मजा आएगा, और बीच में इतने अच्छे स्टॉप ओवर बने हुए हैं, रेस्ट रूम की फैसिलिटीज भी है, आपको पानी भी मिल रहे हैं, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप आइए, नहीं फोन के सिग्नल तो हर आदमी के पास हैं होते हैं। मामू हमारे चैनल को सब्सक्राइब का भी बोलते हैं, लाइक करें, ये इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, समझे, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनका अप्रिशिएट भी करिए आप, ठीक है, थैंक यू मामू, थैंक यू। मैनेजमेंट के रमेश भाई से इंटरव्यू, अच्छा मैनेजमेंट के रमेश भाई से इंटरव्यू लूंगा, रमेश भाई सब सेट चल रहा है, लड़के खर्चा तो नहीं करा रहे, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे पूछा था, हमारे एक्सपेक्टेड से ज्यादा खर्चा तो हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं है, हमने आईएम से लोन ले लेते हैं, कैसी खर्चा बढ़ता है, जितना भी हो सका, क्या कहते हैं अकोमोडेशन करिए, और रोडों की भी बात करें, रोडें बनवाई है, और क्या कहते हैं, और एक एम्बुलेंस भी साथ चल रही है, अगर कोई परेशानी हो तो उनको रेस्क्यू कर सके, ये रेस्क्यू 113 है, बंदोबस्त रखा हुआ है, बाकी ना शुक्रिया, और इंसान की कब्र में आगे खत्म हो गई,
और मैनेजमेंट के दूसरे बंदे हमाद भाई, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। रमीश भाई मशाल ने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया कि जो ना हमारे पास जो है एम्बुलेंस वगैरह साथ चल रही है। अनएक्सपेक्टेड रमीश भाई ने ये जो ना कुछ चीज़ें छुपा के रखी हुई थी कि एम्बुलेंस साथ है और ये रोड बनवा दी साथ साथ, रोड साथ रोड बन रही थी, हम तो आगे निकल गए वरना रोड हमारी यहाँ तक बन जाती है शाम तक ना। कोशिश तो यही थी हमारी, शायद हम एक दिन पहले आ गए। क्या कहने में था, बस ये कुछ प्लान रूट आउट पहले आना पड़ गया मौसम की वजह से। मामू मजा आ रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बस एक ही दफा के लिए काफी है। रास्ता बहुत डेंजर होता जा रहा है। फिर दिल कोई है, कोई है लड़की जो पसंद है तुम्हें, ऐसे ऐसे गाने सुनते हो हमें लगता है कोई है तो बताओ वीडियो में। हाँ शेरदिल जी, कोई पसंद है? और शादी उसी से करने का इरादा है, मान जाएंगे घर वाले? अच्छा हम उम्र है नहीं माने तो भगा के लेके आऊंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ नाम इसे शेर दिल भी रखा था, शेर दिल यानी शेर दिल अकेला शिकार करता है, शिकार की तलाश में निकला है। घर वाले नहीं मारे तो शिकार अकेला करेगा। शेर दिल हमारा पार्टनर, हमारा भाई, हमारा यार, बेहतरीन बंदा। मैं मजाक नहीं कर रहा है, इसने बहुत हंसाया हमें, बातें की हमने बहुत काफ़ी। ऑफ कैमरा ऐसी बातें होती हैं जो वीडियो में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे व्लॉग फैमिली भी देखती है ना, तो बहुत मज़ा आया शेर जी का नाम है हमें। अभी ये कह रहा है कि 15 मिनट में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे, तो जैसे ही हम पहुँचते हैं वो आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, आप पूरी वीडियो देखेगा इंशाल्लाह, आगे तक पूरी वीडियो देखेगा, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको लगता है हमने वीडियो सही नहीं बनाई कि मसला है तो आप कमेंट से बता सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई खासियत शतरंगी झील की? पानी साफ है यहाँ का जी? पानी साफ है यहाँ का, बिल्कुल शीशे की तरह। आपका भाई है? भाई है आपके? कजन है, कजन है। सूरत पॉइंट यहाँ का, बकरे ऐसी घूमे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बकरे, देखिए बकरे भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं मिलेगी, बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए आप, ये देखें आप, ये बकरे को गिरा दिया इन्होंने, जब तो उतना कराची वालों को यहाँ नहीं आना चाहिए, बकरे गिरा रहे हैं। कितना प्यारा बकरा है, देखिए मैं भी हाथ लगाता हूँ, मैं भी हाथ लगाता हूँ, इतना प्यारा बकरा है। मैं इसके दांत दिखाता हूँ, प्यारा बकरा है, इसके आप दांत देखिए। इनको देख के मुझे एक गाना याद आ गया, अभी तो मैं जवान हूँ। सेठ साहब एक गाना है, अभी तो मैं जवान हूँ। देखिए कितना प्यारा बकरा, जवान हूँ अभी तो मैं। ये एक पॉइंट हमने कवर कर लिया, बाकी दूसरा पॉइंट जहाँ जहाँ ये लेके जाएगा आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। भाई आपने ये झील देखी, बड़ा मज़ा आया होगा, आगे से भी ये दिखाएंगे आपको। यहाँ क्या हमें मुकामी मिला है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ज़ोर से बोलेगा, क्या नाम है आपका जी? गुलाम खान नाम है। थोड़ा बीमार लग रहे हैं सर, बीमार हैं आप? क्या हो गया आपकी तबीयत को ऐसा?
खाने को यहाँ नहीं है क्या? ना घर है, मतलब तबीयत किसी और वजह से ख़राब है। ठीक है, यहाँ का माहौल कैसा है, लोग अच्छे हैं यहाँ के? अच्छा है। और यहाँ की सबसे मशहूर जगह कौन सी है? मशहूर जगह तो ये सतरंगी झील है। इससे आगे कोई और सी झील है? दो झील है, ब्लू लेक और परी। ज़बरदस्त, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त है? इससे वो गुजारा है, इससे असल है। ये ज़्यादा अच्छी है? ये ज़्यादा अच्छी, ये ज़्यादा अच्छी है। और ये जो काई वगैरह यहाँ जम गई है, इसका क्या है? आगे जाके बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा अच्छा और शादी हो गई आपकी? शादी का, शादी का इरादा कब तक है आपका? हाँ, अगले साल। क्या उम्र है आपकी? 25। यार आप तो कम से कम 18-19 साल के लगते हो। सर मजाक कर रहा था, वैसे तो मुझे 40-45 साल के लगते हैं। खैर ये तो सब मजाक चलता रहता है यार आपस में, आप और हमारी जो दोस्ती ऐसी है, हम लोग आपस में तफरियाँ करते रहते हैं। ठीक है, ये दिखाना ज़रूरी है, लोग को हंसाना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाते हैं। आप देखें क्या जगह हम आ चुके हैं। ये हमारी दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है। नलसर ब्लू झील, झील के बाद हम फिर झील जा रहे हैं। ये इतनी खतरनाक जगह है, आप देखें किस तरह हम लोग जा रहे हैं, पत्थरों में से जाना है। फिर तो आप बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक रास्ता है, बहुत मुश्किल हो रही है चलने में ये जगह। और ऊपर जाना है अभी, वहाँ से चलते हैं। हम आ रहे हैं, व्यू देखें आप, ऊपर है। हम आज सब थक गए, झील और ऊपर है। ब्लॉग के लिए आपको पता, फैंस के लिए कहीं भी जाएंगे। बिल्कुल, फैंस हमारी डिमांड करेंगे तो हम ऊपर वहाँ से चले जाएंगे, सब दिखाएंगे उनको, हम वहाँ से चले जाएंगे। अगर फैंस बोलेंगे वहाँ से जाके टच करके आते, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरी बिल्कुल इंजरी हुई भी है, ये मेरा पूरा आगे तक चला हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट के जो बंदे हैं उनसे पूछना चाहूँगा, ये फेरोजा का घर इतना दूर क्यों है? यार असल में बेसिकली आपको पहले बताता है, ये तीन लीक है, एक सतरंगी, एक ब्लू, एक फिरोजा है। ये गर्मियों में बाहर निकलती फिरोजा, मां साहब फेरोजा ने इतना दूर घर ले लिया है, लोग चल ही नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हलीमा झील आप देखिए कितनी खूबसूरत है, इतना साफ पानी है। मुकामी बच्चे मिले, इनसे बात करना चाहेंगे। उर्दू बोलती हो? क्या नाम है? लाइबा नाम है। पढ़ती हो? किस दे दी भाई, कितनी प्यारी बच्ची है, छोटी छोटी। आ रहे आपस में बांट लो, बांट लो खा लो, मिलके खा लो, कितने प्यारे बच्चे हैं। इसको भी खिलाओ। नाम बता दो पहले, अपना नाम बता दो सब। आप अपना नाम बताओ, कितनी प्यारी बच्ची है ये, आप बताओ अपना नाम। आप बताओ अपना नाम। रेशमा। ओ भाई रेशमा, आपका नाम? लाइबा। ओ जबरदस्त, कितनी प्यारी बच्ची हैं ये, आप देखें, जबरदस्त माहौल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये फेरोजा रेस पहुँच चुके हैं। हमने आपको दिखाया किस तरह पहुँचे चढ़ वढ़ के, देखें जख्मी भी होगा, तभी हमें आपको दिखाया था किस तरह हम पहुँचे हैं पहाड़ों पे,
हमारे सब कितना टाइम लगा निकले। पहाड़ों से पानी आ रहा है, ठीक है, पहाड़ों से पानी आ रहा है, खूबसूरत जगह है, ब्लू पानी आ गया, मैं पूरा दिखाता हूँ आपको सब। इसको फेरोजा लेक कहते हैं, देखें आप, ये देखें आप, ये लेक है। तो बहुत ही अजीब सा होटल था, इतनी गर्मी थी मैं आपको क्या बताऊं। बट उसके बाद हम आगे आ गए यहाँ इस होटल का। मां साहब, इस होटल का नाम क्या है? द पंजाब होटल। यहाँ हमने होटल बुक कराया, बहुत ज़बरदस्त होटल बनाया उन्होंने, आप खूबसूरती देख सकते हैं इसकी। मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ये पार्क बनाया हुआ उन्होंने, देखो चार पोर्शन बनाए हुए। अभी लड़के हमारे गए नहाने वगैरह गए, फिर उस आगे यहाँ बैठेंगे, उसके बाद कल हमें निकलना है नारायण के लिए। तो पंजाब होटल साहब, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल सबूर साहब। ये होटल कितने सालों से? ये तकरीबन बहुत पहले से है, वो बिल्डिंग तो बहुत पहले से, ये तकरीबन 15-20 साल हो गए। अच्छा चल रहा है? सही चल रहा है। और मैं बोलूँ, यहाँ गर्मी वो काफ़ी ज़्यादा होती है? यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अभी तो काफ़ी सर्दी आ गई है, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, टूरिस्ट वगैरह आते ना? आते हैं। बिल्कुल, ये भाई जान ने बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने साबुन वगैरह हर चीज़ रखी वॉशरूम में, हम नहाए, बड़ा मज़ा आया। जजाकल है सर जी, इनका आप जीवन दे सकते हैं। पंजाब होटल, अगर आप यहाँ अगर फंसें तो ये वाले होटल आ जाए, बेहतर लगेगा आपको। बाकी हमारे लड़के बैठे हुए, मैं आपको बता रहा था, हमारे लड़के बहुत शरीफ है, कोई नशा पानी नहीं करता। ये देखें, देखिए आप, सारे लड़के शरीफ लड़के हैं हमारे, हमारी गैदरिंग ही शरीफों वाली है, तो आप समझ जाए। मैं थोड़ा शरीफ नहीं हूँ, मजाक करो यार, हम तो बहुत शरीफ हैं, आप जानते हैं, हमारा और आपका रिश्ता तो दिल का है, आपको पता है ये सब। बाकी ये सब हमारा हो चुका है, अब हम थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ, सोने जाएंगे, उसके पहले ठीक है, वीडियो क्लोज़ करते हैं।